छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। छावा का ट्रेलर जब से आया है तब से लेकर अब तक मतलब सोशल मीडिया पर भौकाल सा खड़ा हो गया है कि इससे बढ़िया ट्रेलर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सच कहूं तो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर मुझे फिल्म देखनी थी। मुझे क्या ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनकी जीवनी को सही तरीके से पर्दे पर देखना चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर तो कई सारी मराठी फिल्में हिंदी फिल्में बन चुकी हैं, उनके इतिहास को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, वो कह सकते हैं कि वो भगवान ही है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर पूरी तरीके से कोई फिल्म प्रॉपर बनी नहीं थी। अब जब से विकी कौशल इस अवतार में दिखाई पड़े हैं ट्रेलर में, तब से लेकर लोग यही कह रहे हैं कि भैया विकी कौशल को आप किसी भी रोल में ढालने की कोशिश करो वो ढल जाएंगे, चाहे उरी वाला रोल हो या पिछले महीने जो उनका डांस वायरल हुआ था उस वाले फिल्म की बात कर लो या फिर सैम मानेकशॉ के रोल में। मतलब हर किरदार को वो इस तरह से घुस कर करते हैं कि देखते ही बनता है। उस ट्रेलर को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से वो दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। और उस फिल्म के एक एक डायलॉग को देखकर वाकई में ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी पिक्चर ही आपने देख ली है उस 1 मिनट 13 सेकंड के ट्रेलर में। जब ये फिल्म रिलीज होगी तो प्रॉब्लम बस यही है कि इस फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 रिलीज हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया तो कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि देखिए पुष्पा 2 तो चलने ही वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस ट्रेलर को आपने देखा छावा के, उसे देखने के बाद तो ये लग रहा है कि ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट होने वाली है। आप कह सकते हैं कि इस फिल्म का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये फिल्म बहुत अनोखी बनने वाली है, बन चुकी है, बस रिलीज होने वाली है। तो विकी कौशल तो दमदार दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें रश्मिका मंदाना भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में हमारे पसंदीदा शरद केलकर जी भी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म किस लेवल पर बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब के किरदार को बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाए होंगे कि ये किसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया अक्षय खन्ना को। उनका जिस तरह से मेकअप किया गया है, जिस डिटेलिंग के साथ उनके चेहरे के हाव भाव को दिखाया गया है, आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे कि ये अक्षय खन्ना ही है। अक्षय खन्ना को आपने कॉमेडी रोल में देखा है, सीरियस रोल में देखा है, लेकिन यहाँ पर एक अलग अवतार में दिखाई पड़ रहे हैं। और यकीन मानिए ये फिल्म जब रिलीज होगी तो भयंकर बवाल करने वाली है। लक्ष्मण उदेकर जिन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्में बनाई है और मिमी जैसी फिल्म बना चुके हैं वो, तो आप देख सकते हैं कि वो उनका काम कितना बढ़िया है। और ट्रेलर देखकर तो बहुत ही ज़्यादा मजा आया।